झुंझुनू की चढ़ाव पुलिस ने व्यापारी के पुत्र से रंगदारी मांगने के आरोपी आदतन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई भगवान साई मीणा ने बताया कि परमहंस कॉलोनी निवासी और कस्बे की फुटवेयर व्यवसायी श्याम सुंदर गोयल के थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसके बेटे नरेंद्र को लोहिया स्कूल के पास रहने वाला गणेश उर्फ नीरज शर्मा जान से मारने तथा दुकान में आग लगाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। धमकी से डर के उसके पुत्र नरेंद्र ने 3 किश्तों में आरोपी को 2,60,000 रुपये भी दे दिए। अब उसके पुत्र ने उसे इस घटना की जानकारी दी है, जिस पर पुलिस ने नामजद आरोपी गणेश उर्फ नीरज शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से इन्हीं पैसों की खरीदा गया एक चांदी का कड़ा, एक बाइक, 34,000 रुपये नकद और एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। सीआई मीणा ने बताया कि आरोपी गणेश उर्फ नीरज कुछ साल पहले तक इनकी दुकान पर ही काम करता था, जिससे पहले उसने एक बार नरेंद्र की बाइक चुरा ली थी। अब गणेश उर्फ नीरज नरेंद्र तथा उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानता था, तो उसने यह धमकी दी कि उसके संपर्क हरियाणा के बदमाशों से है, जिन्होंने सिंघाना और नवलगढ़ में जान से मारने तथा दुकान में आग लगाने की वारदातों को भी अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि गणेश उर्फ नीरज आदतन चोर है। बीते 4 सालों में गणेश उर्फ नीरज ने 10 के करीब चोरी की वारदातें की है, जिनकी एफआईआर दर्ज है। कुछ माह पहले ही गणेश उर्फ नीरज जेल से छूटा है, लेकिन गणेश उर्फ नीरज ने छोटी छोटी वारदातों की बजाय बड़ा हाथ मारने के लिए नरेंद्र गोयल को निशाना बनाया और उसने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। नरेंद्र को उसने अपने घर के पास ही भूतनाथ मंदिर के पास सुनसान गली में बुलाया, जहां पर उसने 2,60,000 रुपये तो ले लिए थे, वहीं अब 5 दिन तक बाकी के पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद नरेंद्र चिंता में था। उसका तनाव देखकर परिवार के लोगों ने जब उससे कारण पूछा तो उसने आपबीती बताई। श्याम सुंदर की 2 दुकानें पुरानी तहसील रोड पर है, जिस पर वह और उसके भाई और उसके बेटे बैठते हैं। श्याम सुंदर गोयल ने बताया कि आरोपी गणेश उर्फ नीरज कई बार रंगदारी मांगने और धमकी देने उनकी दुकान पर भी आया। जब उसका बेटा दुकान पर अकेला था तो गणेश उर्फ नीरज उसकी दुकान पर आकर न केवल धमकी देकर गया बल्कि रंगदारी के पैसे भी मांगे, लेकिन नरेंद्र ने दुकान पर आकर धमकी की बात भी सबसे छुपाई। इस कार्यवाही में सीआई भगवान साई मीणा के नेतृत्व में एएसआई राम अवतार, हेड कांस्टेबल बलवीर चावड़ा, संदीप दयाराम, कांस्टेबल अमित सिहाग, विक्रम सिंह आदि शामिल थे, जिसमें विशेष योगदान अमित सिहाग का रहा। देखिए, परमहंस कॉलोनी में श्याम सुंदर जी रहते हैं। उनकी दुकान है जूते चप्पलों की। उनका लड़का है नरेंद्र गोयल। उससे गणेश उर्फ नीरज शर्मा ने रंगदारी के पैसे मांगे 5 लाख रुपए, और उसको जान से मारने की धमकी भी दी और दुकान में आग लगाने की धमकी दी और कहा कि मेरे हरियाणा के इस तरह के लोगों से, गुंडों से ताल्लुकात हैं, मैं आपको जान से मरवा दूंगा, आपकी दुकान में आग लगवा दूंगा। तो नरेंद्र ने कह के उसको 2,60,000 रुपये दे दिए, जो जान से मारने की धमकी थी। हमारे यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ इस संबंध में, तो हमने उसके बारे में मालूमात किया, तो वो घटना के बाद से ही कह के फरार था। 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 2-3 दिन उसने, नरेंद्र ने पैसे इसको दिए रंगदारी के, और वो उसके बाद से यहाँ से गायब था। हमने जब मालूमात किया तो उसको ट्रेस आउट किया, ट्रेस आउट करके और उसको दस्तयाब किया, दस्तयाब करके और कल दिनांक 4 तारीख को हमने उसको गिरफ्तार किया, जिससे एक तो सिल्वर का कड़ा, एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक वीवो का मोबाइल और 34,000 रुपये हमने उससे रिकवर किए। ये बिल्कुल सक्रिय अपराधी है और 2017 से ये रेगुलर अपराध कर रहा है, जिसमें करीब 10 मुकदमे इसके पूर्व से दर्ज हैं। 2017 से लगातार एक्टिव है। हाँ बताया बिल्कुल, 34,000 रुपये हमने रिकवर किए और 10 मुकदमे पहले के हैं, जो मोस्टली कह के चोरी के मुकदमे हैं इसके। अभी हमने जो उससे रिकवर कर लिए हैं, ये जो सामान और जो मोटरसाइकिल वगैरह, पैसे वगैरह, हमने रिकवर कर लिए हैं। अब उसको देसी करवा रहे हैं।